हाय फ्रेंड्स गॉडेस इकाटे की सक्सेस स्टोरी की लाइन लग चुकी है और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज तो अभी हमने जो न्यू मून पे रिचुअल किया था उसके बाद भी आई हैं एक एक करके सारी अपलोड करूँगी ताकि आपके विश्वास को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले ओके एंड आपको ट्रस्ट हो ये कि गॉडेस इकाटे की जो चाबी आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने में सक्षम है ठीक है तो ये स्टोरी आती है नेपाल से और थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत है बट मैं आपको सुनाती हूँ ये लिखती हैं हाय मैम एम काला फ्रॉम नेपाल एंड थैंक यू सो मच मैम एक स्टफनेस एंड नाइन डे वाला रिचुअल एंड सेल्फ लव एंड ऑल्सो ग्रेटिट्यूड जर्नल इट वर्क्स फॉर मी एंड हीलिंग माई रिलेशनशिप यू नो मैम हमारा ब्रेकअप हो गया था सिंस थ्री मंथ्स अगो बट येस अजय कॉल मी एंड आई वॉन्ट टू मीट मी अजय ने थर्ड पार्टी के लिए हमको छोड़ छोड़ा था एंड नाउ ही इज़ अ लोन एंड ट्राइंग टू गेट बैक इन माई लाइफ या आई एम हैप्पी टू हियर दैट अजय अपना गलती एक्सेप्ट किया है डेस्परेट तो टू मीट मी एंड हर तरफ से हमको ब्लॉक किया था थैंक यू सो मच मैम पहले हमको बिलीव नहीं हो रहा था इट्स इम्पॉसिबल लगता था बट पॉसिबल है मैंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था थैंक यू सो मच आपका ईच रिचुअल इजी सिंपल शॉर्ट बट इट्स सो पावरफुल लव यू सो मच मैम प्लीज़ शेयर माई सक्सेस स्टोरी या श्योर यस ऑफ कोर्स आप जब सरेंडर कर देते हो तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती ही हैं ओके नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पे आते हैं मैम मेरी सक्सेस स्टोरी गॉडेज गाटे की है प्लीज़ शेयर इट अच्छा ये ऑफरिंग की तरह अपनी सक्सेस स्टोरी भेजा इन्होंने एंड लिखती हैं मैम मेरी मदर बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरी शादी की चिंता करके खाना भी नहीं खा रही थी फोर्स कर रही थी मुझे कि कसम खाओ कि जिससे कि जहां हम कहेंगे वहीं शादी कर लोगी मैंने तो मैंने तब तो उन्हें कुछ नहीं कहा बस प्रेयर करा था गॉड ए काटे से कि इस सिचुएशन को रिलीज़ कर दे मैम उसके बाद मेरी मदर का रोना शांत हो गया कुछ टाइम बाद और उन्होंने खाना भी खाया ओके मैम उसके बाद फिर से मेरी मदर ने किसी दूसरे लड़के के लिए कहा शादी करने को बहुत रो रो कर जहाँ कभी रिश्ते की बात चली थी मैम मैंने मना कर दिया तो मम्मी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया मैंने गॉडेजाटे से प्रेयर करी कि प्लीज़ अब इस बारे में कोई बात ना हो और मेरी मदर अच्छे से बात करें मैंने जब फिर से आ, ओके फिर मैंने दोबारा बात करी तो मदर ने अच्छे से बात की विदाउट दैट टॉपिक और मैम मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ख़राब थी कुछ दिनों से मैंने प्रेयर किया तो उससे पहले से आराम मिल गया ओके ऑफिस में भी हेड अच्छे से बिहेव करती हैं अब जब से प्रेयर करी है घोड़े से काटे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू गॉड इज़ इकॉटे आई हैव डीपली फेथ इन गॉड इज़ इकाटे पावर यस गॉड इज इकॉटे बहुत हेल्प करते हैं इस तरह की लाइफ में छोटे छोटे इशूज़ आते जाते रहेंगे ही हमेशा ज़िंदगी इसी का नाम है छोटी बड़ी कभी कोई प्रॉब्लम आ गई कभी कुछ हो गया ओके okay, बट उनसे बाहर निकलने के लिए या एक सपोर्ट हमें मिल जाए उसके लिए गॉड इज़ इकॉटे की चाबी भी है ओके okay, सो so आप सब भी अपने पास रखिए So that's all guys. Thank you so much and God bless you all.